यस बच्चों, न्यूमेरिकल जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीडियो फोर में क्वेश्चन नंबर फोर जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। अब ये वहां हमने क्या किया था कि अगर उसकी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन की डबल ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो जाता है। अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से। तो इसमें क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ गैसियम द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यूज करेंगे और एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेंगे और इसकी वॉल्यूम जो डबल है क्या ये है। कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है ये भी हम जानते हैं कि कंसेंट्रेशन और ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो अब आप देखिए द रेट ऑफ गैसियस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो कोई भी एक गैसियस इक्वेशन हम सपोज करते हैं, दिस इज अ गैसियस रिएक्शन, ये ए से ये प्रोडक्ट, ये गैसियस इक्वेशन है, दिस इज अ गैसियस फॉर अ गैसियस रिएक्शंस, ये गैसियस रिएक्शंस है ए से प्रोडक्ट में। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इसमें इस रिएक्शन में जो ए है इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी मान लेंगे कि सपोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन, ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन एन मान लिए, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के, कंसेंट्रेशन ए है तो पावर एन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, राइट। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सेकेंड केस वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, तो अगर वॉल्यूम अगर हम डबल करेंगे तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये सी कंसेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कंसेंट्रेट वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, तो मोलर कंसेंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, यस, तो मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ है, तो इक्वेशन नंबर टू रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, तो इक्वेशन नंबर टू बना लेंगे, तो आर वाई टू इज इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ए वाई टू रेज द पावर एन, दिस इज इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन एंड टू को डिवाइड कर देंगे, सिंपल इक्वेशन टू इज डिवाइडेड बाय वन एंड टू, तो इक्वेशन वन एंड टू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वन को डिवाइडिंग वन बाय सेकेंड इक्वेशन, डिवाइडिंग वन बाय सेकेंड इक्वेशन, वन को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो जब इक्वेशन वन को इससे डिवाइड कर देंगे सो वी विल गेट दिस वेरी सिंपल, टू इज इक्वल टू रेज टू द पावर एन, तो ये चीज़ हमें मिलेगी। तो और यह टू इज इक्वल टू वन क्या है, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको वन मान सकते हैं, वी कैन, और वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, टू वन इज इक्वल टू रेज टू द पावर एन, तो इसको आप कोरिलेट कर दिए, एन की वैल्यू वन है, तो यहाँ एन की वैल्यू वन है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन यहाँ क्या है, ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, ये आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, रेट लॉक एक्सप्रेशन है, इससे कि न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिशन में बहुत पूछते हैं, एमसीक्यू का सिस्टम हो गया है, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तो फिर से बेसिक इसका यूज है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए और उसका ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ इन कैलकुलेटिंग दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग वीडियो में भी और क्वेश्चन करेंगे, सी यू।